लेबनान में कैसे घुसी इजरायली सेना? लेबनान में घुसने के लिए इजरायली सेना ने कौन से रास्ते का किया इस्तेमाल? अब बॉर्डर पार कर लेबनान में घुसी इजरायली सेना वहां क्या क्या कर रही है, आइए आपको बताते हैं। आज सुबह 4:32 पर इजरायली सेना IDF ने सोशल मीडिया पोस्ट कर बताया कि उनके सैनिक लेबनान में घुस चुके हैं और वहां जमीनी हमले के लिए ऑपरेशन शुरू कर चुके हैं। लेकिन इजरायली सेना ने यह नहीं बताया कि वह लेबनान में आखिर घुसे कैसे और कैसे उन्होंने वहां ऑपरेशन शुरू किया, जिसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे लेबनान का बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह विमान से इजरायली सैनिक उतरे हैं और उन्होंने वहां पहुंचते ही हिजबुल्लाह पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना ने आज सुबह ही ब्लू लाइन यानी लेबनान की सीमा पार करके जमीनी हमले शुरू कर दिए थे। वह सीमा से लगे गांव में तलाशी अभियान चला रहे हैं और उन सुरंगों को खत्म कर रहे हैं जहां हिजबुल्लाह के लड़ाके पनाह लेकर छिपे रहते थे। इसके अलावा इजरायली सेना का दावा है कि सीमा से लगे गांव में हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं और ये गांव लेबनान की सीमा पर आते हैं, इसलिए इजरायली सेना अपने टैंकों के जरिए सीमा पार कर चुकी है और यहां उनके सैनिक सुरंगों में तलाशी कर रहे हैं। खबर है कि जमीनी हमला करने गई इजरायली फोर्स को आसमान में इजरायली एयरफोर्स सपोर्ट कर रही है। जहां जमीनी सेना को दिक्कत आ रही है वहां एयरफोर्स ऊपर से बमबारी कर रास्ता बना रहा है। वहीं दूसरी तरफ लेबनान में इसराइल की इस कार्रवाई में अल जजीरा ने खबर छापी है कि इजरायली सेना ने लेबनान के दाउरिया शहर में एक घर पर बमबारी की और जिसमें 10 लोगों की मौत हो चुकी है। इस हमले में 5 लोग घायल हुए हैं और हमले में मारे गए सभी लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं। न्यूज़ रिपोर्ट india.com।